अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानियाल गलीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद मोहम्मद बिलाल आसिफ। अस्सलाम वालेकुम कुमैल भाई, जान के अमान पाओ तो मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, आप आ जाएं फिर मैं मैच देखने चलने साथ में। कुमैल भाई के घर के बाहर खड़े हैं, अभी तक आए नहीं, 5 मिनट बचे। अरे यार ये कब आएगा बिलाल भाई बाहर? पता नहीं कब आएगा, हमेशा से लेट कराता ही है। लेट करवाता है भाई। सर आप आए तो सही, तो हम लोगों को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मिला हुआ है 5 वीडियो बनानी है, तो आज हम पहली वीडियो शूट करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें हम जा रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच देखने के लिए। आज है डेट, चले जब एक चीज़ क्रॉस करने के लिए दी हुई है तब भी लोग फुल क्रॉप को फॉलो नहीं करेंगे, इस तरह वॉक करके आएंगे, देख रहे हैं इस तरह आएंगे। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। अच्छा हम लोग ग्राउंड में एंटर हो चुके हैं, कुमैल बहुत खुश है, कुमैल की खुशी की आज वो बनती ही नहीं है, मतलब कि आज ही आया पहली बार मैच देखने, इससे पहले इनको गली में भी मैच देखने देते थे, इनको बच्चे भगाते थे, वो बच्चे बोलते थे आप नहीं देखें मैच, क्योंकि ये पनौती हैं, जब ये मैच देखते थे तब कुछ ना कुछ हो जाता था, तब या तो लाइट चल, जब ये मैच देखते थे तो बॉल चली जाती थी या कोई अंकल आके चरान कर देते थे, या तो ऐसे रखते थे अपने साथ, ये थाली में अगर बॉल चली जाए तो आप निकाल ले, बस ये हो जाता होगी कहेंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपना नेशनल स्टेडियम, आपको यहाँ से ग्राउंड का व्यू दिखाते हैं, चेक करें। ये हमारे कुमैल भाई और बिलाल भाई बैठे हैं। हम लोग नेशनल स्टेडियम पहुंच चुके हैं और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरी बैक साइड पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है और बाकी तीसरा दिन है आज, और ये बिलाल भाई हमारे, ये दानियाल भाई हमारे, तो हम लोग अभी अभी पहुँचे हैं। तो यार वैसे लिटरली अभी जो देखने के लिए आए थे ना, हम देखने आए थे कि भाई सरफराज की सेंचुरी देखनी है आज, लेकिन बैड लक ये हुई कि हमारे पहुँचते ही है ना सरफराज भाई आउट हो गए 78 पे। और अब तो आप जैसे मैंने कहा था ये पनौती हैं तो ये उनके हाथ में यार्ड पे आउट हो चुके। नहीं नहीं भाई देखो मैं पनौती नहीं हूँ, अब बैड लक हो गई, लेकिन यार आज सरफराज को करनी थी 100, आज 100 करनी थी लाजमी, सरफराज की 100 बनती थी, क्योंकि 50-50 तो चल ही रहे थे, 50 तो हो ही रही थी उसकी, लेकिन 100 आज करनी थी उसको लाजमी। तो हाँ ये अच्छी बात है कि सऊद शकील की 100 हो गई है, और बाकी ये है कि अभी मैच देखेंगे बैठ। खुश हो गई हमारे आने से, क्योंकि इसके सवेरे तो लोग आए भी नहीं थे ग्राउंड में, क्योंकि हमारा इंट्रोशन खाली पड़ा है, क्योंकि बातें भी हम ही कर रहे हैं और तालियां भी हम बजा रहे हैं, ताली कुमैल को लाए खास तौर पे तालियां बजाने के लिए, कुमैल इतनी तालियां बजाते हैं भाई, आपके खानदान में आप लोगों के खानदान में किसी का फंक्शन वगैरह हो कुमैल को बुला लें, 500 रुपये पर ताली लेते हैं, ये थोड़े एक्सपेंसिव है लेकिन तालियाँ भरपूर हो जाएंगी। छोटे छोटे बच्चे आए हैं ये बोलने मैट हेनरी से मिलना है, नहीं नहीं जैसे जैसे कुमैल करीब हो रहे हैं कुमैल की ख्वाहिश पूरी हो गई है, इससे बड़ा मसला
ये तो मसला है सारा। यहाँ पे ग्रिल आ जाती है, ऐसा लगता है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, रेस्टिंग वेस्टिंग हो रही है। या जिनेद अकरम की वीडियो अगर आपने देखी हो तो जिनेद अकरम ने भी यही कहा था कि यार ग्रिल की वजह से यहाँ पे मजा नहीं आता बिल्कुल। जिनेद अकरम ने भी यही कहा था कि ये ग्रिल आई होती है, एक ये ग्रिल आई है और एक ये वाली पीछे वाली ग्रिल आई है ना, ये पूरा व्यू ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से मैच देखने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ ये कह सकते हैं हमारी आवाम में भी थोड़ा सा मसला है, हमारी आवाम थोड़ी है ना जल्दी हो जाती है, बड़ा नहीं मिलता, वो अंदर घुस गए तो उसको संभालना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से ये चीज़ सही है, लेकिन थोड़ा बहुत करना चाहिए कि यार आवाम जो है ना प्लेयर्स से मिल सके। बिल्कुल आपने बहुत सेंसिबल बात की है, थैंक्स। मैच हो गया एंड के टाइम पे, लास्ट ओवर चल रहा है, ठीक है, तो हम कर रहे हैं आज साइन ऑफ, घर चलते हैं, उसके बाद साइन ऑफ करते हैं। बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ये थी हमारी पहली वीडियो, अभी चार वीडियोज हमारी बाकी हैं, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड एंड वेट फॉर मोर।